नमस्कार साथियों। साथियों, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन खुल गए हैं और छठी से लेकर नौवीं क्लास तक के बच्चों के एडमिशन अभी शुरू हुए हैं, लेकिन पेरेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। मैंने कई वीडियोस में बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उनका सारा जवाब यहाँ पर दूंगा। जैसे RPV राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय है, उनके एडमिशन कब शुरू होंगे, क्या आवास प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन कब शुरू होंगे, एडिड स्कूल्स में कब होंगे, क्या स्कूल बाद में चेंज हो जाएगा, क्या SLC चाहिएगी, बैंक अकाउंट, 5वीं के एडमिशन आदि आदि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे दूंगा। साथ ही फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, वो भी डिटेल आपको दूंगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आता है पूरी वीडियो देखें और अंत तक देखें, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित और स्पेशली दिल्ली के एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ अवश्य मिलती हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आसानी से ज्वाइन हो जाओगे, और इसके लिए कोई फीस चार्जेस कुछ भी नहीं है। तो आइए वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, और लास्ट में आपको फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम बताएंगे। तो साथियों, सबसे बड़ा था कि SLC क्या सभी को चाहिए। देखिए, छठी सातवीं आठवीं क्लास के एडमिशन के लिए SLC की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले स्कूल में पढ़ते हैं तो आप SLC लेके आइए। अगर आपने घर पर ही स्टडी की है तो SLC की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपका बच्चा घर पर ही पढ़ा है, और उसकी जो एज डिटेल्स हैं वो आप MCD की या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या सेल्फ डिक्लेरेशन देकर के आप कर सकते हैं। लेकिन नौवीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए SLC की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स SLC नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी हद तक सोल्व हो सकती है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी आठवीं क्लास तक के बच्चों के लिए डेट ऑफ बर्थ आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर बच्चा आपका कहीं नहीं पढ़ा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या स्कूल बाद में चेंज हो जाएंगे। साथियों, आपको स्कूल को बड़ा ही सोच समझ कर चूज करना है। स्कूल बाद में चेंज होने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और एक बार स्कूल अलॉट हो गया तो दोबारा से भी फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपका जो नियरेस्ट स्कूल है वो जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कितनी वैकेंसीज है, और आसपास के स्कूल को वेटेज दीजिए। बाद में हो सकता है आपके आसपास के स्कूल में अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको क्लस्टर में, जो आपका पूरे 8-10 स्कूल्स का जो क्लस्टर है वहाँ पे भेजा जाएगा। अगर क्लस्टर में भी जगह खाली नहीं है तो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उस डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। अगर वहाँ पे भी जगह नहीं है तो फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जा सकता है। इसलिए इसको आप स्कूल जो आप भरेंगे वो आपने ध्यान से भरना है। RPV के एडमिशन से संबंधित क्वेश्चन आता है कि क्या इसी फॉर्म में RPV का भी एडमिशन हो जाएगा। नहीं साथियों, RPV का जो एडमिशन है वो अलग तरह से फॉर्म भरा जाता है, उसके लिए अलग से मांगे जाते हैं। इसके साथ साथ एक्सीलेंस के संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं कि एक्सीलेंस का जो फॉर्म है वो भी अदर तरीके से भरा जाता है, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें जो सर्वोदय स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, जो आपने आसपास देखे होंगे अपने आसपास, तो उन स्कूल्स के एडमिशन के लिए ही ये फॉर्म है। अतः RPVs में ये आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है बैंक अकाउंट से संबंधित, कि क्या बैंक अकाउंट आवश्यक है, क्या बच्चे के नाम से होना चाहिए या पेरेंट्स के नाम का भी चल जाए। साथियों, दो तरह से बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। एक तो आपका जो बच्चे का जो पैसा है उसकी फीस का, उसकी जो यूनिफॉर्म का है, स्कॉलरशिप्स का है, वो पैसा तो उसके खुद के अकाउंट में आएगा, अतः उसका अकाउंट खुद का होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी चाहिए, बाद में भी खुल सकता है। फॉर्म भरने के समय पर उसके अकाउंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है वो उसके एड्रेस प्रूफ के लिए भी, उसके अकाउंट्स अगर उसके पास है तो एड्रेस प्रूफ के लिए भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, और वो उसके लिए कामयाब हो सकता है, उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकता है। तो रेजिडेंस प्रूफ के लिए और जो स्कॉलरशिप का पैसा आएगा उसके लिए इस बैंक की आवश्यकता होती है। तो बैंक अगर आपके पास नहीं है तो बैंक अकाउंट तो आप खुलवा लीजिए, या
एडमिशन के दौरान भी आप खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेजिडेंस प्रूफ का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके लिए बैंक अकाउंट खुलवाना काफ़ी आसान है, और फॉर्म भरते हुए एक जगह पे बच्चे के बैंक अकाउंट की डिटेल है, वहाँ पेरेंट्स की डिटेल्स ना भरें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी तरह से आधार कार्ड की भी डिटेल्स मैं आप बता दूं कि आधार कार्ड की भी आवश्यकता वहाँ पर पड़ेगी आपको, लेकिन फॉर्म भरते हुए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आधार कार्ड की भी अनिवार्यता है। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से आधार कार्ड का भी नाम है और बैंक अकाउंट का भी नाम है, इसलिए अगर आपके पास अभी नहीं है तो भी फॉर्म भर दीजिए, बाद में आपका आ जाएगा। या एड्रेस प्रूफ के लिए आपको चेंज कराना है तो वो भी करा सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि एज क्राइटेरिया क्या है इसका। आप सीधे सीधे जो भी बच्चे की एज है, एज अप्रोप्रिएट है, तो 31/3/2021 तक उसकी एज जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसकी जो उसकी क्लास का, जैसे 5 और वह मान लो 6 क्लास में वो पढ़ना चाहता है, तो 5 और 5 10 साल और ऊपर 2 साल का उसमें डिफरेंस, तो 10 से 12 साल तक का उसका यहाँ पर एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और HOS उसमें 6 महीने की छूट भी दे सकते हैं, दिव्यांग में और ज़्यादा छूट दी जा सकती है। तो ये आप देखें, एज क्राइटेरिया के बगैर आपके बच्चे का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और हाँ, ध्यान रखें कि अगर आपके पास SLC है तो वहाँ एज क्राइटेरिया कुछ नहीं देखा जाएगा, आपके SLC में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डायरेक्ट वहाँ पर आ जाएगी। अब दिल्ली का आवास प्रमाण पत्र चाहिए। साथियों, दिल्ली के आवास प्रमाण पत्र के लिए आपके लिए जो कुछ हैं, जो भी रेजिडेंस प्रूफ के लिए, आपका राशन कार्ड हो, BPL कार्ड हो, आपका वोटर आई कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो, आपका आधार कार्ड हो, बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर हो, पेरेंट्स का बैंक अकाउंट नंबर हो, बच्चे का आधार कार्ड हो, या फिर ये जो डिटेल्स हैं वो उसमें से एक चाहिए आपकी, अगर वो एक है तब ही आप फॉर्म भर पाएंगे यहाँ पर, नहीं तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि प्रतिभा विद्यालयों में एडमिशन कब से शुरू होंगे। साथियों, राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो हैं काफ़ी टॉपेस्ट स्कूल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट्स के, और इनमें एडमिशन जो होता है वो 6ठी क्लास से शुरू होता है, फिर 9वीं और 11वीं, 3 ये शुरुआत होते हैं उसके। तो इस पिछली बार जैसे 6th क्लास का एडमिशन नहीं हुआ था, और 7th क्लास का उन्होंने बोला था कि 7th का अगले साल, 6th और 7th का जो भी टेस्ट होगा वो अगले साल करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी गाइडलाइन अभी नहीं आई है कि प्रतिभा विकास विद्यालय के एडमिशन कब से शुरू होंगे। लेकिन कुछ सुनने में आया है अनऑफिशियल कि ये प्रतिभा विकास विद्यालय अब 9वीं क्लास से शुरू हो जाएंगे, और इनको एक्सीलेंस, जो स्पेशल एक्सीलेंस है उनका वो नाम दे दिया जाएगा, कुछ को चेंज कर दिया जाएगा। तो ये खबर के ऊपर मैं अभी बाद में आपको पूरी वीडियो बताऊंगा इसके ऊपर, प्रतिभा विकास विद्यालय के ऊपर कि उनमें एडमिशन कैसे होंगे। इसी तरह से एक्सीलेंस जो स्कूल्स हैं वो भी पहली क्लास से शुरू होते हैं और 12वीं क्लास तक चलते हैं, तो एक्सीलेंस के ऊपर भी आपकी पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन है, कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे छूट न जाए और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एडमिशन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में वहाँ पर बताऊँगा। अब अगला है इंग्लिश मीडियम का, कि क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम भी होता है। साथियों, बहुत सारे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम के सेक्शंस हैं, और एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का होता ही होता है, मैक्सिमम में कुछ स्कूल्स में नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का होता है। एक बात और मैं बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में जो सोशल साइंस है वो हिंदी मीडियम्स की ही होती है, मतलब उनकी जो बुक्स है वो हिंदी मीडियम में होती हैं। इसके अलावा आपकी साइंस, मैथ्स, ये इंग्लिश मीडियम में रहेंगी, आपकी दो सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, तो काफ़ी पढ़ाई का अच्छा माहौल है। आप यहाँ पर एडमिशन के लिए ज़रूर जाएं, और इंग्लिश मीडियम में भी आपका एडमिशन हो सकता है। अब है कि बच्चे कुछ पूछते हैं कि सेक्शन कौन सा मिलेगा, क्या ABCD या पहले फॉर्म भरते हैं तो भी वही मिलेगा। तो साथियों, इस तरह सा कोई भी डाटा नहीं होता कि कौन सा सेक्शन यहाँ पर मिलेगा, फॉर्म एडमिशन होने के बाद में ही ये डिटेल स्कूल से होती हैं। अब 5वीं क्लास के एडमिशन से संबंधित और 11वीं क्लास, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के एडमिशन से संबंधित भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। तो 11वीं क्लास का जो एडमिशन है वो 10वीं के रिजल्ट के बाद में आएगा, और उसके साथ ही लगभग आ जाता है हमारा 10वीं और 12वीं का भी एडमिशन, वहाँ पे शुरू हो जाएगा।
अब कुछ समय बाद ही जो हमारे प्राइमरी सेक्शंस के जो भी एडमिशन्स हैं वो भी जल्द ही आ जाएंगे, तो चैनल पर बने रहें, आपको वहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिलेंगी। EWS के जो लकी ड्रॉज हैं वो कब आएंगे, वो भी इसी बार में लकी ड्रॉज आने की संभावना है, तो जल्द ही वो भी आएंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और आपने अपनी ID कैसे जनरेट करनी है। तो edutel.nic.in की वेबसाइट पर चल पड़ते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और देखते हैं कि फॉर्म हमें कैसे भरना है। तो साथियों, हम आ गए हैं बिल्कुल edutel की साइट पर, और उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। फॉर्म भरने के लिए आपने जो भी बातें मैंने बताई उनको आपने ध्यान रखना है और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। आप देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। हाँ साथियों, बड़ा ही ध्यान से आपने फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये क्लास आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, तो क्लास जो भी है आपकी क्लास यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ देखिए, ये नाम आएगा आपका, आपने कैपिटल वर्ड्स में ये नाम आपने लिखना है। यहाँ पर मिडिल नेम आ गया और यहाँ पर लास्ट नेम आ गया, ये होंगे तो ही आपने भरना है, अदरवाइज नहीं है। जैसे रोहित कुमार सिंह, इस तरह से रोहित कुमार कुशवाहा, इस तरह से कुमार यहाँ पर आ जाएगा और कुशवाहा, तो आपका जो नाम है उसमें कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए। नाम को बड़ा ही ध्यान से आपने भरना है, अगर ये करेक्शन इसमें हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नाम में आपकी बिल्कुल नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका फादर्स नेम आपने भरना है। जी हाँ, फादर्स नेम, तो फादर्स नेम, और यहाँ पे मदर्स नेम, मदर्स नेम भी एसेंशियल नहीं है। यहाँ पर देखिए, कोई स्टार नहीं है, जहाँ स्टार का पॉइंट होगा वहाँ पर आपको वो लगाना ही, उसको भरना आवश्यक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने ओब्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ लगा दें, जैसे ये ओब्लिक करके ये डेट ऑफ बर्थ लगाई हुई है। अब यहाँ पे आपने इनमें से जो भी है मेल फीमेल हैं उनको चुन ले। कैटेगरी यहाँ देखिए, अपनी कैटेगरी जो भी है, जनरल SC ST OBC, तो ये जो भी है, जो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट उसका लगा के चले। अब दिव्यांगजन के लिए ये एप्लीकेबल अगर है आपका, अगर आप दिव्यांग हैं या कोई स्पेशल कैटेगरी आपकी है तो कौन सी कैटेगरी है उसको आप करें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे आप टिक कर दें। अब कई आदमी होते हैं पेरेंट्स कि वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्टाफ मेंबर हो सकते हैं, तो अगर हैं तो यस, नहीं मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है या नॉन मिनिस्ट्रियल में, यानी टीचर्स हैं, नहीं तो नो इसको आप कर देंगे। सिटी आपने दिल्ली भरनी है और स्टेट भी दिल्ली ही भरना है। अगर बाहर से आप आए हैं तो आप उसको भरेंगे। पिन कोड आपका यहाँ पे आपका होना चाहिए, पिन कोड बहुत ही ज़रूरी है आपका, पिन कोड भरें। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, ये मोबाइल नंबर आपका आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा आपका, और ये डिटेल है आपकी। अब देखिए, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आधार कार्ड के ऊपर, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में भी दे सकते हैं, या आपने एनरोल किया हुआ है तो वो यहाँ पे भरें। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर अगर बच्चे का है तो अभ्यर्थी, यहाँ अभ्यर्थी नाम है, यहाँ माँ बाप का अकाउंट नंबर नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखें, जो बच्चा है उसका नाम आएगा, उसका यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर भरना है। AC जो अकाउंट है, और बीर यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा बैंक है, तो जो जो ये बैंक हैं सभी में आप सिलेक्ट कर लें। अगर इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो आप इसमें से कोई भी भर सकते हैं। यहाँ पर IFSC कोड होता है, जो एक कोड होता है IFSC कोड, वो आपने भरना है IFSC कोड। और यहाँ पर देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि आपका डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंस प्रूफ के लिए, जो कि दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, उसमें आप क्या देंगे, तो ये ध्यान रखना आपने कि रेजिडेंस प्रूफ में आपका क्या क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, BPL कार्ड हो सकता है पेरेंट्स के नाम से, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टूडेंट या पेरेंट्स के नाम से, वोटर आई कार्ड हो एनी पेरेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, MTNL बिल हो, वाटर बिल हो, आधार नंबर हो स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, तो ये बहुत आसान से आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं आधार नंबर में, तो कोई भी आप प्रूफ लगा कर के आधार नंबर में करें, या पासबुक में जनरेट करा लें, तो ये पासबुक अगर है, पासपोर्ट है स्टूडेंट पेरेंट्स का, या बैंक पासबुक है,
स्टूडेंट के नाम से हो या पेरेंट्स के नाम से हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, नेम ऑफ द पेरेंट्स, तो इनमें से आपने एक रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको देना है, जमा कराना है फॉर्म। ये बहुत ही एसेंशियल है, आपके पास ये होना ही चाहिए। अब आप यहाँ पे जो नियरेस्ट आपके स्कूल हैं, आपने एसी जो चुना था अपना, एसी जो आपका यहाँ पर देखिए ये रह गया था, तो एसी आपने चुनना है, जो आपका एसी है वो चुन करके, जो भी हमारी 70 एसी है उनमें से एक को चुन करके ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर ये स्कूल की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जिस स्कूल को भी आपका नज़दीक स्कूल है आप जाके बात कर सकते हैं पहले, और उसके बाद में ही इसको भरें। तो जो भी आपका स्कूल नज़दीक है वो आप इसमें भरें। अब स्टूडेंट एट होम, अब ये भी ज़रूरी कॉलम है कि आपका जो बच्चा था वो पिछली बार कहाँ था, कहाँ पढ़ रहा था, तो किसी रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल में पढ़ रहा था, रिकॉग्नाइज था, एमसीडी का था, एनडीएमसी का था, एडिड अनएडिड था, या कोई अलग स्कूल था जो कि स्कूल दिल्ली से बाहर था, या फिर पास प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग अदर सेशन, या वो पिछले साल पास ना होकर के पहले पढ़ा था, या स्टडी एट होम, तो आठवीं क्लास तक के बच्चे स्टडी एट होम भी कर सकते हैं, तो वो आपने ऑप्शन से यहाँ पर करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट का बटन आपने दबा देना है। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे और पूरी डिटेल देखेंगे, तो इस पर हम अब नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, तो ये देखिए आपके सामने ये एक तरह का ये जनरेट हो गया है। अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है अपना सारी डिटेल जो है वो चेक करें, और इसको और उसके बाद में इसको यहाँ पर देखिए आपके सामने अगर कोई भी डिटेल मिसमैच कर रही है तो उसको आप करेक्ट करें, और यहाँ पर आपने ओके करके और फिर सबमिट करना है। अगर आपका कोई भी गलत है तो आपको वापस जाना पड़ेगा और इसको फिर वापस इसको करेक्ट करना पड़ेगा, या दूसरे उससे इसको फिर से भरना पड़ेगा अगर कोई भी गलती है तो आपकी। तो इस तरह से आपकी ये जो है हमने अब इसको सबमिट किया है, तो सबमिट करने के बाद में अब ये देखिए यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा जो है वो फॉर्म फिल हो गया है, और आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी भी जनरेट हो गई है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको आप आपके पास मोबाइल में भी जाएगा, और इसका एक स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें, और ये नंबर को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, कभी ये गलत ना हो जाए और आप भूल ना जाएं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, और ऊपर भी लिखा हुआ है कि यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आपकी डिटेल्स थी, और अब हम एक बार और मेन पेज पर आ जाते हैं। तो साथियों, अगर हमें रिपोर्ट का पता नहीं है, हमें नंबर हमारा मिस हो गया, तो भी हम पता कर सकते हैं अपनी जो रिपोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर हमें अपनी क्लास भरनी है, नाम भरना है, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में हमें इसको गो पर जाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर शो रिपोर्ट हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद में हम शो रिपोर्ट पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा देखिए ये जो है डिटेल्स आपकी, जो दोबारा से आपकी डिटेल्स आपके सामने शो हो रही हैं, तो आप इसको शो कर सकते हैं, इसमें आपने जो भी डिटेल्स हैं वो आपको आ सकते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप भूल गए हैं। तो ये तो था इस तरह का। अगर आपने डिलीशन करनी है तो डिलीशन के लिए ये वाला फॉर्म है, और रिप्रिंट के लिए ये वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर अब हम डिलीशन रिक्वेस्ट जो फॉर्म है वहाँ पर हम जाएंगे, तो रिक्वेस्ट फॉर डिलीट, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हमने इसमें डाल लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर फ़ोन नंबर हमें भरना है, इसमें फ़ोन नंबर आप भरें, इसमें डेट ऑफ बर्थ भरें, इसमें डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में आप यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट क्लास, और ये डिलीट का ऑप्शन करेंगे तो हम रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद इन 24 आवर्स, आफ्टर दैट यू कैन डिलीट योर डाटा। तो ये रिक्वेस्ट चली जाती है उसके बाद में, और यहाँ पर देखिए डिलीट डाटा फ्रॉम, तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पर डालना है, उसके बाद में ये डिलीट्स आपका हो जाएगा, और उसके बाद में आप दोबारा से अपना नया फॉर्म भर सकते हैं। तो ओटीपी बहुत ज़रूरी है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो अगर किसी और से कराना चाहते तो भी आप उसको ओटीपी ज़रूर शो करें। तो
आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर दिए गए हैं लगभग। और आप अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कौन सी क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और किस स्कूल में, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में